रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री? डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टेटमेंट्स कंसर्निंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स कॉल्ड थ्योरम्स आर प्रूव थ्रू लॉजिकल रीजन। यानी कि डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री उस ज्योमेट्री को कहा जाता है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स यानी कि जिसको हम थ्योरम कहते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं और क्या करते हैं, एक लॉजिकल रीज़न के ज़रिए किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, यानी कि किसको? ज्योमेट्री को। अब ये रीजनिंग और थ्योरम्स ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो इसकी रीजनिंग है, ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको इसकी डेफिनेशन दी थी, इसमें रीजनिंग होती है क्या? लॉजिकल रीजनिंग होती है। तो डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में तो लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो दो तरफ की होती है, एक होती है इंडक्टिव और दूसरी होती है डिडक्टिव। व्हाट इज़ रीजनिंग? रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल वे। रीजनिंग ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में हम अपनी राय देते हैं, सोचते हैं किसी लॉजिक के तहत। वो लॉजिक के तहत जो राय देते हैं उसके भी दो पार्ट हैं, एक होता है इंडक्टिव और दूसरा होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव किसको कहते हैं? मींस हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, फिर उसका कोई नतीजा निकालते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ये देती हूँ कि एक कंट्री में स्टूडेंट्स विजिट पे गए, ठीक है, जर्नी के दौरान उन्होंने देखा कि, मैं किसकी मिसाल दे रही हूँ? इंडक्टिव की रीजनिंग की। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि अगर मिसाल ले लें आप, स्टूडेंट्स थे वो जर्नी पे गए, उन्होंने पूरी ट्रिप के दौरान देखा कि वहाँ पे येलो बसेस थी, जो स्कूल बसेस थी, ठीक है, वहाँ पे उन बच्चों ने क्या स्टेटमेंट दी कि ऑल स्कूल बसेस इन दैट कंट्री आर ऑफ येलो कलर। यानी कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उस कंट्री में जितनी भी स्कूल बसेस हैं वो येलो कलर की हैं, ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि ऑल स्कूल बसेस इन दैट कंट्री आर ऑफ येलो कलर। अब जनरलाइज यानी कि हकीकत में क्या था कि वहाँ पे कुछ ऐसी बसें भी थी जो रेड कलर की थी, लेकिन उन स्टूडेंट्स को उस जर्नी के दौरान नहीं नज़र आए। तो अब यहाँ से इंडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब है कि कोई पर्सन जैसे अपना रीज़न तो दे देता है, उसको ऑब्ज़र्व करके कोई स्टेटमेंट बता तो देता है, लेकिन अब दूसरा पर्सन जो स्टेटमेंट देगा वो उससे थोड़ी सी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने तहत देखता है। अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है ट्रायंगल। अगर ऑल स्टूडेंट्स को कहा जाए कि इसकी साइड्स हमें मेजर करके बताएं, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब हमें उन्होंने बताया नहीं है कि इसका एक एंगल कितना है, ठीक है, हमें बताया नहीं कि इसका एक एंगल कितना है, किसी भी एंगल का हमें नहीं बताया। अब स्टूडेंट्स ने ख़ुद ऑब्ज़र्व करना है कि उन्होंने ख़ुद बताना है कि इसका ऑल एंगल जो तीनों एंगल है वो कितने के बन रहे हैं, कितने डिग्री के बन रहे हैं। अब कोई एक स्टूडेंट ने बता दिया कि यहाँ पे जी 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, वन स्टूडेंट ने बता दिया एंगल ए जो है वो 50 डिग्री है, लेकिन बी स्टूडेंट यानी कि दूसरे स्टूडेंट ने बता दिया कि एंगल ए जो है वो 4.5 डिग्री का है। ऐसे यानी कि हर एक ने ऑब्ज़र्व किया, उन्हें जो फील हुआ उन्होंने वो बता दिया, लेकिन जो एग्जैक्ट थी मीनिंग थी वो हो सकता है जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया उससे वो अलग हो। तो ऐसे ही रीज़न को क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। और जो दूसरी रीजनिंग होती है डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग को कहते हैं जिसका एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट हो। यानी कि ज्योमेट्री में हम किसको यूज़ करते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग को। मिसाल के तौर पे हमें बताया गया है कि एक जो राइट एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर है। इसका रीज़न क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या है? पर्टिकुलर है कि अगर हम राइट एंगल लेंगे तो वो 90 का ही होगा, वो 60 का एंगल नहीं होगा। जो एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट हो वो क्या होगा? डिडक्टिव रीजनिंग। मिसाल इसकी डिडक्टिव रीजनिंग के कितने पार्ट हैं? 4 हैं, एक अनडिफाइंड टर्म्स, दूसरा डिफाइंड टर्म्स, तीसरा अजम्पशंस और चौथा प्रोपोजिशंस। हम इन चारों टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। अब अनडिफाइंड टर्म्स कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पर पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड स्पेस। पॉइंट क्या है? इसको हम कहते हैं पॉइंट। ये इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये पॉइंट है। मिसाल के तौर पे एक लाइन जो है
दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, एक लाइन कहलाता है। यानी कि दो पॉइंट हैं ए एंड बी, वो मिलके क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। इसको भी नहीं, अब लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, स्पेस। स्पेस यानी कि जो दो चीज़ों के बीच में जो फ़र्क है, ऐसे दो चीज़ें हैं इनके बीच में जो खाली गैप है वो क्या है, स्पेस है। इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब प्लेन क्या है, ये प्लेन वो नहीं है जो एरोप्लेन हो। प्लेन मीन्स स्मूथ, यानी कि ये जो बोर्ड है कितना स्मूथ है, प्लेन है। अब इसके ऊपर अगर मैं दो पॉइंट रख दूँ तो क्या होगा, प्लेन के ऊपर क्या है, दो पॉइंट है। अगर मिसाल के तौर पे हम ये है पेन है, ये किसके ऊपर है, एक प्लेन के ऊपर है, ठीक है। अगर इसको हम कर दें कि ये इस तरीके से हो गया तो ये प्लेन के ऊपर नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये क्या है, प्लेन है, इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। पॉइंट है, अब पॉइंट है, हम काफ़ी सारे पॉइंट मिल के एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरो से पहले हम लिख देते हैं 0.462। अब 462 में पॉइंट का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन हम फिर भी इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है अनडिफाइंड टर्म्स है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने माना हुआ है कि हाँ भाई इसकी वैल्यू है क्या है, डिडक्टिव है। डिडक्टिव जैसे मैंने अभी बताया कि उसका वैल्यू है, यानी कि ऐसी टर्म्स है जो कि हमें उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट है तो दूसरा बंदा भी वही कहेगा, उसको चेंज नहीं कोई कर सकता उसके रिजल्ट को, ठीक है। अब अनडिफाइंड टर्म हो गया, अब उसके बाद है डिफाइंड टर्म्स। अब डिफाइंड टर्म्स कौन सी होती हैं, ऐसी टर्म्स जिसको हम डिफाइन कर सकें, यानी कि ज्योमेट्रिकल टर्म्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एंगल ले लें। अब डिफाइंड टर्म्स को, इसकी डेफिनेशन ले लें, डिफाइंड टर्म्स को हम अनडिफाइंड टर्म्स की मदद से डिफाइन करते हैं। मतलब अनडिफाइंड टर्म्स क्या है, एक पॉइंट है, एक लाइन है, इन दोनों की मदद से क्या हम डिफाइन टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पर एक एंगल है, एंगल जो बन रहा है इस तरीके से, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे लाइन है, एक यहाँ पे रे है, तो ये दोनों मिलके क्या उन्होंने एंगल बना दिया, ठीक है। अब ये किसकी मदद से, अनडिफाइन टर्म्स यानी कि पॉइंट और लाइन की मदद से हमने एक जो चीज़ ड्रा कर ली। मिसाल के तौर पर एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बाइसेक्टर हो गया, ETC, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम क्या डिफाइन टर्म्स कहते हैं। किसकी मदद से हम डिफाइन टर्म्स को यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, अनडिफाइन टर्म्स की मदद से, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब ये भी जो डिफाइन टर्म्स है इनका भी जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि एक ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन है कि ट्राइंगल की अगर राइट ट्राइंगल है तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी एक दूसरे के, तो ये बिल्कुल रिज़ल्ट क्या है, क्लियर है। कोई दूसरा तीसरा बंदा आके इसको राइट ट्राइंगल को इसको चेंज नहीं करेगा। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, ये भी 9 सेंटीमीटर है, फिक्स है इसका रिज़ल्ट। तो ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है। अब एजम्पशंस या फंडामेंटल एग्रीमेंट, ठीक है, ये किसको कहते हैं। एजम्पशंस मीन्स सम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, यानी कि कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी प्रूफ के। मिसाल के तौर पे हर नंबर है, यानी कि एजम्पशंस की भी आगे दो टाइप है, एग्जाम्स पोस्टुलेट एंड थ्योरम, ठीक है। एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट ये अगेन हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके, पहले हमें मोटी मोटी इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं एजम्पशंस, ठीक है। मिसाल के तौर पे एजम्पशन किसको कहते हैं कि किसी चीज़ की प्रूफ देना विदाउट किसी फंडामेंटल एग्रीमेंट के। मिसाल के तौर पे 2 है, यानी कि कोई नंबर है वो बराबर होगा अपने ही नंबर के, ये क्या है, फंडामेंटल एग्रीमेंट है। यानी कि हर नंबर जो है वो अपने ही इक्वल होता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक पॉइंट जो है, यानी कि हमने कंसिडर क्या हुआ है कि दो पॉइंट मिलके क्या कहते हैं, एक यूनिक लाइन बनाते हैं, ठीक है। टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन, ओके। अब क्या है,
इसका क्या मतलब हो गया आपने जहन में बिठा लेना। एजम्पशंस मीन्स फंडामेंटल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिनको हमने एक्सेप्ट किया हुआ है विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। अब दूसरा है प्रोपोजिशंस, नंबर 4। अब प्रोपोजिशंस क्या है? प्रोपोजिशंस में हम अनडिफाइंड टर्म्स, डिफाइंड टर्म्स एंड एजम्पशंस, इन तीनों की मदद से हम एक नया जो है एग्रीमेंट जो है वो डिवेलप कर, सॉरी नॉट एग्रीमेंट, स्टेटमेंट, वी कैन डिवेलप न्यू स्टेटमेंट, यानी कि हम अनडिफाइंड टर्म्स, डिफाइंड टर्म्स, एजम्पशंस, इन तीनों की मदद से हम एक नई स्टेटमेंट बनाते हैं। और जो स्टेटमेंट किस में तब्दील हो जाती है? प्रोपोजिशन में तब्दील हो जाती है, अगर वो स्टेटमेंट, ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट हमने प्रूव करना होता है कि अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, किसके ज़रिए? लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए। हमने जो स्टेटमेंट बनाई होते हैं अनडिफाइंड टर्म्स, डिफाइंड, अजम्पशंस, इन तीनों की मदद से उसको हमने ये साबित करना होता है लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। और अगर वो ट्रू हो, ठीक है, अगर वो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ट्रू हो तो उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरम कहेंगे। अब थ्योरम क्या है इसकी भी हमने एक्सप्लेनेशन जानी है। और एजम्पशंस क्या हैं? एजम्पशंस भी बहुत सारे हैं, एग्जाम्स हैं, पोस्टुलेट है, ये सब हमने अच्छे से समझने हैं, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर ले, हम एजम्पशंस की जो टू टाइप हैं, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट, उनको हम नेक्स्ट पेज पे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि अब एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स कहाँ से, एजम्पशंस की ही टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्स क्या होते हैं? फंडामेंटल एग्रीमेंट विच आर रिलेटेड टू नंबर्स आर कॉल्ड एग्जाम्स। ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट जो कि नंबर से रिलेटेड हो एग्जाम्स कहलाते हैं, और ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट जो के ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड हों वो पोस्टुलेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम नंबर 1, आप एग्जाम लिख के फिर 1 लिखना, ठीक है। एग्जाम 1 है हमारे पास एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि हर नंबर अपने ही नंबर के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे ए इज इक्वल टू ए, क्या है? हर नंबर अपने ही नंबर के बराबर है, इस तरीके से। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई कॉन्फ्रेंस ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए, यानी कि हर नंबर अपने ही बराबर होता है। अब एग्जाम नंबर 2 क्या है? तो स्टूडेंट्स लिखने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए हम बुक में से ही समझ लेते हैं अच्छे से। हमारे बुक, अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी बुक के पेज नंबर 180 पे ये सब डिफाइन किया हुआ है एग्जाम्स को। तो एग्जाम नंबर 2 क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर एक्स वाई के बराबर है तो फिर वाई एक्स के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है? एग्जाम नंबर 2 है, यानी कि अगर हमने कंसिडर किया हुआ है कि अगर एक्स किसके बराबर है, एक्स के, यानी कि हर नंबर अपने ही नंबर के बराबर होता है, वह एग्जाम 1 है। एग्जाम 2 है कि अगर एक्स वाई के बराबर होए तो फिर वाई भी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब एग्जाम नंबर 3 जो है हमारे पास, एक्स इजकल टू वाई एंड वाई इजकल टू जेड एंड एक्स इजकल टू जेड, अगर एक्स वाई के बराबर है और y z के बराबर है तो फिर हमारे पास x जो है वो z के बराबर होगा, ठीक है। अगर x और y दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो y z के बराबर है तो फिर x भी z के बराबर होगा। ये एग्जाम नंबर 3 है। अब एग्जाम नंबर 4 है, इक्वल्स एडिड टू इक्वल रिमेन इक्वल, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशंस, यानी कि एडिशन प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर x इजकल टू y है तो x प्लस जेड इज इक्वल टू y प्लस जेड, यानी कि अगर x प्लस जेड जो है वो बराबर होंगे तो y प्लस जेड भी बराबर होंगे, क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर x और y दोनों बराबर हैं तो z के साथ चाहे हम x को प्लस करें चाहे हम y को प्लस करें, ये दोनों बराबर होंगे। अब इसी तरीके से एग्जाम 5 है हमारे पास, इक्वल सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमेन, अगर हमारे पास x और y दोनों बराबर हैं तो हम x में से माइनस करें z को
एक्स में से जेड को माइनस करें या फिर वाई में से जेड को माइनस करें। जब एक्स और वाई दोनों ही इक्वल हैं तो फिर चाहे हम एक्स में से जेड को माइनस कर लें वो भी बराबर होगा, और चाहे हम वाई में से जेड को माइनस कर लें वो भी बराबर होगा। अब एग्जाम नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ इक्वल्स आर मल्टीप्लाइड बाई इक्वल्स। अगर एक्स और वाई दोनों बराबर हैं तो चाहे हम जेड के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करें चाहे हम वाई को मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब एग्जाम नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर देयर क्वोशेंट्स आर इक्वल। अगर इक्वल्स जो हैं वो नॉन जीरो नंबर से डिवाइड होंगे तो क्या होगा, दूसरा जो वो बराबर होगा, मिसाल के तौर पे एक्स इज़ इक्वल टू वाई है देन जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो जेड है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जेड जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो। अगर हम एक्स और वाई दोनों बराबर हैं, मिसाल के तौर पे एक्स की वैल्यू भी टू है वाई की भी वैल्यू टू है, तो फिर हम चाहे एक्स की वैल्यू लिखें चाहे वाई की वैल्यू लिखें हैं तो दोनों टू ना। अब हम जेड के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा इस तरीके से, चाहे हम एक्स के साथ जेड को डिवाइड करें चाहे वाई के साथ जेड को डिवाइड करें तो वो दोनों बराबर होंगे। अब इसी तरीके से एग्जाम नंबर 8 है, होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, यानी कि पूरा जो है वो अपने हिस्से से बड़ा है। मीन्स हमारे पास कोई चीज़ है यानी कि एक एंगल है। अब ये जो हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है, हमारे पास एक एंगल बन रहा है ए बी सी, अब यहाँ से एक और जो रे ड्रा हो रही है वो है डी। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए बी सी जो एंगल है, ठीक है, ये बड़ा है ना बी सी और डी के, यानी कि सी बी डी के मुकाबले में ए बी सी जो है वो बड़ा है। अगर हम सी ओ बी और डी में प्लस करें ए बी डी, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास बुक में गिवन है, अगर हम प्लस करें, ठीक है, ए बी डी यानी कि ए बी डी इसको जमा करें और डी बी सी इन दोनों को जमा करेंगे तब वो बराबर होगा ए बी सी के। तो बड़ा कौन सा हुआ, ए बी सी जो एंगल है ये बड़ा एंगल है। तो मीन्स जो बड़ा एंगल है वो क्या है, अपने एक कुछ हिस्से से, यानी कि इसका कुछ हिस्सा क्या है, ये जो है सी बी और डी जो एंगल है ये इसका एक पार्ट है, और जो पूरा एंगल है क्या है ए बी सी, तो ये बिग है और ये सी बी डी जो है वो उसका पार्ट है, ये उससे छोटा है। अब है पोस्टुलेट, पोस्टुलेट जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर से, मीन्स फिगर से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए हमारे पास टू पॉइंट हैं ए एंड बी, ये क्या है, एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि एक लाइन जो है वो किससे पासिंग हो सकती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो सकती है। ये क्या है, पोस्टुलेट है, ये फ़र्ज क्या हुआ है, एक फिक्स की हुई है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब पोस्टुलेट टू क्या है, काउंटलेस लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट से काउंटलेस लाइन को क्या पास कर सकते हैं, जी हाँ, जो जैसे पास होंगी उस पॉइंट को हम ओ का नाम देंगे, ठीक है, उस पॉइंट को हम ओ का नाम देंगे, उस सेंटर पॉइंट से हम काउंटलेस लाइन को पास कर सकते हैं। पोस्टुलेट थ्री क्या है, वन एंड ओनली प्लेन पासिस थ्रू थ्री पॉइंट्स नॉट इन अ लाइन, अगर एक ओनली प्लेन पासिस हो थ्री पॉइंट से, मीन्स यहाँ पे देखें थ्री पॉइंट है वन टू थ्री, अब यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, क्या हो रही है, पास हो रही है, तो लेकिन वो क्या है, एक लाइन नहीं है अब ये, क्योंकि पॉइंट जो है एक ही सिमत में नहीं थे, इसलिए अगर ये एक ही सिमत में होते तो ये एक लाइन होती। अब क्या है, थ्री पॉइंट से लेकिन वहाँ पे हम उनसे पास कर रहे हैं तो वो एक लाइन नहीं है। अब है फोर, पोस्टुलेट क्या है हमारे पास, इफ़ टू पॉइंट्स ऑफ अ लाइन लाई ऑन अ प्लेन, यानी कि पहले जो तीन पॉइंट थे वो एक ही प्लेन में नहीं थे, यानी कि एक ही सिमत में नहीं थे, एक ही डायरेक्शन में नहीं थे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में के साथ नहीं थे, यानी कि एक प्लेन में नहीं थे, तीन पॉइंट इस तरीके से थे तो वहाँ पे एक लाइन नहीं बन रही थी। अब चार पॉइंट हैं, ठीक है, नहीं, इफ़ टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन, अगर दो पॉइंट हैं सेम प्लेन में, ठीक है,
अब ये हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है तो वहाँ पे जो दो पॉइंट है तो वहाँ पे जो लाइन लगेगी वो बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है, वो एक लाइन कहलाएगी अगर वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, सीधी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अब हमारे पास है पोस्टुलेट 5, डिस्टेंस पोस्टुलेट, इसको हम डिस्टेंस पोस्टुलेट कहते हैं। अगर पॉइंट ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स, अगर ए और बी जो हैं वो दो पॉइंट हैं एक ही प्लेन में, यानी कि एक ही सिम्थ में, ठीक है, प्लेन मीन्स स्मूथ, देन डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी, उनके दोनों के बीच का जो फासला वो कितना हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, यानी कि अगर दोनों पॉइंट बिल्कुल इस तरीके से हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं दोनों पॉइंट इस तरीके से, तो उनका जो फासला है वो ज़ीरो होगा। अब क्या है, आ पॉजिटिव रियल नंबर व्हेन ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर हम कंसिडर करें कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमें बताया है कि ए एंड बी ऊपर से ऐसे होता है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, एक ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए बी ऊपर एक लाइन सेगमेंट होती है, ये लाइन सेगमेंट को शो करता है, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल मेजरमेंट ऑफ बी ए, यानी कि ए बी जो है वो बराबर होगा बी ए के, ठीक है। अब पोस्टुलेट 6 क्या है हमारे पास, अ लाइन सेगमेंट कैन बी बाइसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि उसको बाइसेक्ट करिए ओनली वन एंड वन पॉइंट, यानी कि उसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से उसको बाइसेक्ट करिए एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो उसको हम किसका नेम दे देते हैं, ओ का नेम दे देते हैं। अब दिस पोस्टुलेट टेल्स दैट ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी देर इज ओनली वन पॉइंट से पी, इसको यहाँ पे उन्होंने पी का नाम दे दिया है, किसको, जो इंटरसेक्ट करिए उसको लाइन जो उसका सेंटर है, ठीक है, बाइसेक्ट इंटरसेक्ट ने बाइसेक्ट मीन उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक लाइन थी जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, अगर हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो वो उसका सेंटर पॉइंट होगा जिसको हम बाइसेक्ट कहेंगे, और उसको हमने पी का नाम दे दिया है, बिटवीन ए एंड बी सच देट मेजरमेंट ए पी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी पी, यानी कि वो उसका सेंटर पॉइंट है जो कि जितना फासला ए और पी के दरमियान है उतना ही फासला पी और बी के दरमियान में है, ठीक है, ये हमसे ये कहना चाह रहा है। अब पोस्टुलेट 7 क्या है, एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, हमने क्या करना है, एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये भी क्या है, पोस्टुलेट है। और इफ़ वन आर्म ऑफ एन एंगल इज़ गिविन, अगर हमें एक एंगल की एक आर्म गिविन है, ठीक है, वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉ वन साइड, उसमें से एक रे ड्रा कर दिए, एक लाइन हमें गिविन है उसमें से हमने एक रे ड्रा कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है पोस्टुलेट नंबर 8 हमारे पास, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, यानी कि दो एंगल को कैसे जमा करते हैं, इसमें वो हमें बताया गया है कि एडजेसेंट एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल उसको कहते हैं जो एक दूसरे के बराबर वाले एंगल होते हैं, बगल वाले, यानी कि एंगल जो है बी ए डी जो है वो किसका एडजेसेंट है, डी ए सी का एडजेसेंट है, ठीक है, ये बताई गई ये बात हमें। अब पोस्टुलेट 9 क्या है, यूनिक बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी कि यूनिट बाइसेक्टर एंगल, दोनों एंगल का यूनिक बाइसेक्ट, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने पीछे फाइंड किया हुआ है तो इसको हमने बाइसेक्ट करना है बिल्कुल सेंटर में से, यानी कि एक एंगल हमें मिला है ए बी सी, उसको हमने बाइसेक्ट करना है तो बिल्कुल सेंटर में से, जो दोनों के सेम मेजरमेंट होनी चाहिए दोनों एंगल की, उनको बीच में से हमने एक एंगल बना लेना है जो जिसको हमने डी का नाम दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पोस्टुलेट हैं, पोस्टुलेट 10 है हमारे पास, एट अ गिवन पॉइंट इन अ लाइन वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू अ लाइन, तो पोस्टुलेट 10 हमें क्या कह रहा है कि हमें एक लाइन है, गिवन लाइन, उस पर हमें एक पॉइंट मिला है,
ठीक है, उस पॉइंट पे हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं जो अपवर्ड की तरफ एक हम रे बनाते हैं उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि दोनों तरफ 90 का एंगल बनेगा और ये क्या है उसका परपेंडिकुलर है। तो ये एक ही परपेंडिकुलर होता है एक लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट दिया जाए तो, ठीक है। अब है पोस्टुलेट 11 जो है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच कैन बी मेड टू कोइंसाइड विद इन वन अनदर आर कॉन्ग्रुएंट। पोस्टुलेट 11 हमसे क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच कैन बी मेड टू कोइंसाइड विद वन अनदर आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती हैं, यानी कि एक है ट्राइंगल जो दूसरी भी है इस तरीके से, तो ये क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों सेम शेप हैं, तो क्या है दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं मीन्स बराबर हैं। और पोस्टुलेट 12 क्या कहता है हमसे, ज्योमेट्रिकल फिगर में बी मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन शेप एंड साइज, यानी कि हम ज्योमेट्रिकल फिगर को, यानी कि ये ट्राइंगल है हमारे पास इस शेप में, हम इसको मूव कर सकते हैं, ये शेप ऐसे है तो अगर ये शेप इस तरीके से भी हो सकती है तब भी ये ट्राइंगल है, इसको हमने थोड़ा सा मूव कर दिया तो क्या है ये इसकी सेम पोजीशन रहेगी, पोजीशन चेंज हो गई लेकिन शेप सेम रहेगी हमारी, इसका एंगल भी सेम रहेगा अगर हमने थोड़ा सा उसको मूव कर दिया है। अब है पोस्टुलेट 13 क्या कहता है हमारे पास, प्ले फेयर्स एग्जाम्स थ्रो अ पॉइंट नॉट ऑन अ लाइन, ठीक है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन, इट्स आल्सो स्टेटेड एज टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कॉन्ट बी पैरेलल टू अ थर्ड लाइन, यानी कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन हैं, इंटरसेक्ट मीन्स एक ये और एक ये, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स क्रॉस कर रही हैं, तो ये क्या कभी भी ये पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल तो हम उनको कहते हैं जो एक ही सीमित में हो, यानी कि यहाँ पे अगर उनका एक जितना फासला है तो यहाँ पे भी उतना ही फासला होगा, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे की पैरेलल हैं, मींस अगर जो दो लाइन है वो एक दूसरे की पैरेलल हैं वो एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं हो सकती, तो ये यहाँ पे हमारे पोस्टुलेट 13 कंप्लीट हो गया। हम एग्जाम्स एंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो चलें जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दिल लगा के मेहनत करना, ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।